दी फॉरेस्ट फेरी जंगली परी। वन डे एक दिन एसएफर्ड एक चरवाहा डिसाइडेड निर्णय करता है टू टेक ले जाने का हिज सन उसके बेटे को आउट टू दी पाश्चर चरगाह के लिए बाहर। एक दिन एक चरवाहा अपने बेटे को चरागाह के लिए ले जाने का निर्णय करता है। हिज वाइफ उसकी पत्नी पैक्ड पैक करती है देम उनके लिए दी लंच दोपहर का खाना एंड और सैड कहती है डू नॉट बी लेट फॉर सपर रात्रि के भोजन के लिए लेट मत होना। सपर मीन रात्रि का भोजन। द फॉरेस्ट जंगल इज नॉट सेफ जंगल सुरक्षित नहीं है। सेफ मीन सुरक्षित। एट नाइट रात को जंगल सुरक्षित नहीं है। इफ यदि यू आर स्केयर्ड आप डर जाते हैं कॉल द फॉरेस्ट फेरी जंगली परी को बुला लेना। यदि आप लोग डर जाएं तो जंगली परी को बुला लेना। द शेफर्ड चरवाहा एंड और हिज सन उसका बेटा इंजॉयड आनंद करते हैं देमसेल्व्स खुद में इन द पास्चर चरगाह में एंड लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम और समय को भूल जाते हैं। वे चरगाह में इतना आनंद करते हैं कि समय को भूल जाते हैं। दे वे स्टार्टेड शुरू करते हैं वॉकिंग बैक होम वापस घर जाना एट डस्क शाम को वापस घर जाना शुरू करते हैं। द फॉरेस्ट वाज फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स जंगल अजीब आवाजों से भर जाता है। फॉरेस्ट मीन जंगल फुल मीन भर जाता है स्ट्रेंज अजीब साउंड्स आवाजों से। द बॉय लड़के को रिमेम्बर्ड याद आता है रिमेम्बर मीन याद आना। हिज मदर उसकी माता ने हैड टॉक्ड टॉक मीन बताना उन्हें बताया था ऑफ अ फॉरेस्ट फेरी जंगली परी के बारे में। लड़के को याद आता है कि उसकी माँ ने उन्हें जंगली परी के बारे में बताया था। ही चैंटेड वह पुकारता है या फिर जाप करता है चैंटिंग मीन जाप करना। फॉरेस्ट फेरी जंगली परी गाइड अस हमें रास्ता दिखाओ अस मीन हमें गाइड मीन रास्ता दिखाओ। सून जल्द ही दे फाउंड अ शाइनिंग बाउल उन्हें एक चमकती हुई बोल मिलती है। फाउंड मीन मिलना या पाना शाइनिंग मीन चमकती हुई बोल। ऑन द वे रास्ते में जल्दी ही उन्हें रास्ते में एक चमकती हुई बोल मिलती है। लो इट टर्न्ड इनटू द फॉरेस्ट फेरी ये एक जंगली परी में बदल जाती है। टर्न मीन बदलना इनटू मीन में दी फॉरेस्ट फेरी जंगली परी में वह बोल जंगली परी में बदल जाती है। एंड और लीड देम होम उन्हें घर का रास्ता दिखाती है। सी आस्क देम वह उनसे कहती है देम मीन उनसे टू बी केयरफुल सावधान रहना केयरफुल मीन सावधान। नेक्स्ट टाइम अगले समय के लिए नेक्स्ट मीन अगले टाइम मीन समय अगले समय के लिए सावधान रहना। देन तब शी फ्लिकर्ड वह टिमटिमाई एंड वैनिस्ड और गायब हो गई। वैन जब दे वे रिच्ड होम घर पहुंचते हैं रिच मीन पहुंचना जब वे घर पहुंचते हैं दी वाइफ सैड उसकी पत्नी कहती है आई प्रे टू दी फॉरेस्ट फेरी मैंने जंगली परी से प्रार्थना की थी प्रे मीन प्रार्थना करना। सो डिड आई मैंने भी की थी सैड दी सन उनके बेटे ने कहा। दे एट देयर सपर उन्होंने उनका रात का भोजन किया देयर मीन उनका एट ईट की सेकेंड फॉर्म है ईट मीन खाना ईट एट ईटन दे ईट उन्होंने खाया देयर सपर रात्रि का भोजन एंड और स्लेप्ट स्लेप्ट मीन सोना स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट और सो गए पीसफुली शांति से सो गए। थैंकिंग धन्यवाद करते हुए दी फॉरेस्ट फेरी जंगली परी का फॉर हर काइंडनेस उसकी दयालुता के लिए और जंगली परी का धन्यवाद करके सो गए।